अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार का सबसे आधुनिक और बिहार का दूसरा तारामंडल जो दरभंगा जिला के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बन रहा है। यह दरभंगा वासियों के लिए वरदान साबित होगा और छात्रों के लिए ज्ञान और जानकारी लेके आएगा। वहीं बात करें रोज़गार का तो कई तरह के रोज़गार पैदा होगा। यह बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 164 करोड़ की लागत से यह दो फेज में बन रहा है। पहला फेज में विज्ञान संग्रहालय और तारामंडल, जिसमें 300 सीटों के ऑडिटोरियम और 150 सीटों के प्लानिटोरियम बन रहा है। दिसंबर 2019 में बनना शुरू हुआ और इसको 2021 के जून महीने तक कंप्लीट होना था, लेकिन लॉकडाउन और कई कारणवश यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह काम लगभग में 90% कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 10% बचा हुआ है। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला है कि यह लगभग में 6 से 7 महीने के अंदर यह पूरी तरह से काम हो जाएगा और यह काम हो जाने के बाद यहाँ के दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। यह जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ घूमने वालों यहाँ के ग्रहों और तारों का एंजॉय करेंगे, यहाँ बैठ करके अपना समय बिताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।